हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास सिक्स मैथ्स। हमारे चैप्टर वन का नाम है नोइंग अवर नंबर्स। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे मैथ्स का चैप्टर वन का, यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि हमें जो क्वेश्चन में फोर डिजिट्स दिए हैं, इन फोर डिजिट्स को यूज करके हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर बनाना है। सपोज अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 2874। अब इसे हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन फोर डिजिट्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सो द बिगेस्ट नंबर इज 8, आफ्टर दैट 7, देन 4, देन 2। तो जब हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे तब हमें नंबर को इस तरह से अरेंज करना है, सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। इस तरह से हम फोर डिजिट्स को यूज करके ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर बनाएंगे। और इसी तरह से जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होगा तो हम सबसे पहले लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा नंबर। इस तरह से हम डिजिट्स को यूज करके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर बना सकते हैं। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल बताना चाहती हूँ। सपोज हमारे पास फोर डिजिट्स हैं 4, 7, 5 एंड 0। अब अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हम वही सिक्वेंस फॉलो करेंगे, द ग्रेटेस्ट नंबर, देन 7, देन 5, देन 4, देन 0। बट जब इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा तो हमें 0 से स्टार्ट नहीं करना है। क्यों? आप सोचेंगे मैम ने बोला था सबसे छोटा नंबर हमें लेना है स्टार्टिंग में स्मॉलेस्ट नंबर बनाते समय, लेकिन 0 सबसे छोटा है। बट अगर हम यहाँ पर 0 सबसे पहले लिखेंगे तो ये तो 3 डिजिट नंबर हुआ और हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, इसलिए हमें 0 को सबसे पहले नहीं लिखना है, ये गलत है। सबसे पहले हम 0 के बाद, अब सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, 0 के बाद 4, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, 4 से, 4 देन 0 देन 5 देन 7। तो अगर आपके क्वेश्चन में 0 है तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर में तो उसी तरह से अरेंज करना है, ग्रेटेस्ट नंबर देन 5 देन 4 देन 0। बट अगर स्मॉलेस्ट नंबर बना रहे हैं और आपके क्वेश्चन में 0 है तो आपको 0 से स्टार्टिंग नहीं करनी है, आपको सबसे पहले 0 के बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो लेना है, देन 0 देन 5 देन 7। इस तरह से मैंने आपको दोनों एग्जांपल बता दिए हैं, विदाउट 0 एंड विद 0। अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको एक वर्कशीट दूंगी जिसमें आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। यस एवरीवन, अब आपको ये क्वेश्चंस अपनी मैथ्स CW में चैप्टर वन हेडिंग डालनी है, नोइंग अवर नंबर्स, और क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिए। और ये 4 क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको एक वर्कशीट दे रही हूँ, इस वर्कशीट को आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। आप होमवर्क कॉपी में भी चैप्टर 1 हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे और ये 5 क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हैं आप इनको 1 by 1 सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको इन क्वेश्चन के सॉल्यूशंस का पिक लेना है और आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसे रिटर्न भेजेंगे ताकि मैं चेक कर सकूँ कितने स्टूडेंट्स ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।